بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्क्रीन स्लाइड्स वगैरह नजर आ रही हैं, वीडियो आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल जी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 5AB और 6A। फाइव ए के अंदर हमने पढ़ना है, हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं हर लेसन को, ए और बी पार्ट में। ए पार्ट में हम अजकार नमाज पढ़ रहे हैं और बी में हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो आज हमने ए में से दो हिस्से लेने हैं, 5A और 6A, और इसमें हम अजान के कलिमात सीखेंगे। 5A में हम आम अजान जो तमाम नमाजों में होती है, और 6A में फजर की अजान और इकामत के इजाफी अल्फाज को समझेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और ग्रामर में हमने मजीद टुकड़ों के साथ वही जो टुकड़े हमने कल सीखे थे हम उन्हीं टुकड़ों के साथ मजीद कुछ अल्फाज को अटैच करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और सबक नंबर 5 के इख्तिताम पर हमारे टोटल वोकैबुलरी हो जाएगी 57 अल्फाज। 57 अल्फाज सीख लेंगे सबक नंबर 5 के इख्तिताम पर, जो कुरान में 19,000 से ज्यादा मरतबा आते हैं। याद रखिए कुरान में कुल 4,500 अल्फाज हैं जो 78,000 मरतबा आते हैं। तो अजान हमने शुरू करनी है आज, और अजान के बारे में एक ये बात समझने की अजान है क्या। अजान का खुलासा, अल्लाह की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात के लिए एक ऐलान है, निदा है, और कामयाबी की दावत है, कामयाबी का ऐलान। अगर हमसे कोई पूछे कि अजान को आप कैसे जो वो डिस्क्राइब करेंगे कि अजान क्या चीज है, तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह की तरफ से हर दिन के अंदर मखसूस औकात में अपने बंदों को मुलाकात के लिए बुलाने का ऐलान है, और एक उनको कामयाबी की नवीद सुनाई जाती है इस अजान के अंदर। आइए अजान को हम सुनते हैं पहले एक मरतबा, और फिर उसके बाद इसके लफ्ज को लफ्ज तर्जुमा और तशरीह देखेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक सेकंड दीजिए, आवाज का मसला हल करते हैं।
चलिए, अजान की आवाज सुन ली आप सबने, ऑनलाइन लोगों तक भी आवाज पहुंच गई थी जी, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यह अजान सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इफ्तारी का टाइम हो गया, क्या ख्याल है, इफ्तारी कर दी जाए। अच्छा जी, आइए लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जुमे की तरफ चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़ाती नाम है और अकबर का माना है सबसे बड़ा, अकबर सबसे बड़ा। एक लफ्ज़ बोलते हैं कबीर, कबीर का माना होता है बड़ा, अकबर सबसे बड़ा या ज्यादा बड़ा। इसी तरह एक लफ्ज़ बोला जाता है कसीर, कसीर क्या होता है, ज्यादा को। अक्सर कब बोला जाता है, जब बहुत ज्यादा कोई बात हो तो अक्सर कहा जाता है। तो ऐसे ही अकबर सबसे बड़ा, तो अकबर के बाद जो है वो आमतौर पर मिन इस्तेमाल होता है, बड़ा है मिन, मिन का तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं औजु बिल्लाही मिन, मिन का क्या तर्जुमा किया था से, तो अकबरु बड़ा है मिन से, आगे कुछ आएगा उससे बड़ा है इससे बड़ा। तो अगर कुछ लिख दिया जाए, बता दिया जाए कि किससे बड़ा है तो एक कंपेरेटिव अंदाज होगा, और अगर अकबर को अकेला छोड़ दिया जाए खाली और आगे कुछ ना हो तो फिर इसका तर्जुमा किया जाता है सबसे बड़ा। तो अल्लाह
सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज उसी की बनाई हुई है और अल्लाह ताला कुव्वत इज्जत शौकत हर चीज में हर सिफत में सबसे बड़ा है। तो आप अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे उतना ही दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी और कह सकेंगे कि अल्लाह आप कितने अजीम शान हैं। अल्लाहु अकबर कहते वक्त अल्लाह की बड़ाई का हकीकी एहसास हमें होगा जब हम अल्लाह के बारे में ज्यादा से ज्यादा इल्म रखेंगे। यकीन बढ़ता जाएगा कि अल्लाह इससे भी बहुत बड़ा है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारी अकल और समझ महदूद है। अब फजर की अजान सुनकर भी मैं सोता रहूं, सवाल ये है कि फजर की अजान सुनकर मेरे कान में आवाज पड़े अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है और मुझे ये मालूम है कि अल्लाह की तरफ से ये बुलावा है, लेकिन मैं उस पुकार पर लब्बैक कहने की बजाय सोता रहूं, तो मैंने किसको बड़ा माना, अल्लाह को बड़ा माना या अपने नफ्स को बड़ा मान लिया? तो अल्लाह हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ तुझे ही बड़ा मानने की तौफीक अता फरमा, यानी अपने नफ्स को भी खानदान को या और लोगों की बजाय सिर्फ और सिर्फ तेरी बातों और तेरे अहकाम पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा, आमीन। दूसरा कलिमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, और इससे मिलते जुलते अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, शहादत, शहीद, ऐनी शाहिद, ये सारे अल्फाज हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं उर्दू में। तो इन सब का माना क्या होता है, शहादत भी गवाही के माना में है, शहीद जो शहीद हो जाता है उसको भी कहा जाता है, और शहीद गवाह को भी कहा जाता है, ऐनी शाहिद जो आई विटनेस जिसको कहा जाता है। तो अशहदु और अअबुदु अऊज़ु एक जैसे आवाज देखने में हम आवाज अल्फाज है, अऊज़ु का माना था मैं पनाह में आता हूँ, अअबुदु का माना है मैं इबादत करता हूँ। तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ, किस बात की गवाही देता हूँ, अशहदु अन, अन का माना है के, अशहदु अन मैं गवाही देता हूँ के ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ला, ला का माना है नहीं, लेकिन अरबी जुबान में एक माना को बयान करने के लिए एक से ज्यादा अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन इसी नहीं के माना को देखें तो नहीं के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ला, इसके अलावा मा भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है और लम भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है और लन भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फर्क है, माँ नहीं के साथ दो और मानों के लिए भी आ रहा होता है, क्या और जो के माना में भी आता है, ला सिर्फ नहीं के माना में आता है सिंपल, और लम जब यूज होता है तो ये डिड नॉट यानी माजी में किसी काम के ना करने के बारे में बात करता है, और लन के साथ अगर नफी की जाए तो फिर इसका माना होता है हरगिज नहीं और ये फ्यूचर की बात करता है। तो ये अल्फाज हैं मा ला लम और लन, ये सारे ही नहीं का माना देते हैं, लेकिन हर एक के माना के अंदर कोई ना कोई खास मफहूम पाया जाता है। पर ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इलाह कहते हैं माबूद को और इसकी जमा आती है आलिहतुन, इलाह की जमा आलिहतुन। हमने तो जमा बनाने का तरीका पढ़ा था क्या, मुस्लिम के आगे वाउनून लगाकर मुस्लिमून, यहाँ पर वो तरीका नहीं कर रहे हैं, आलिहुन की इलाहुन की जमा इलाहुन नहीं कर रहे बल्कि आलिहतुन कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जमा बनाने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। जो एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है वो है जो हमने पढ़ा कि वाहिद के आखिर में वाउनून और या नून लगा दिया जाए, तो बहरहाल इसके अलावा भी किस सूरतों में जमा आ सकती है। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इल्ला का माना सिवाय और अल्लाह अल्लाह सुभान व तआला का ज़ाती नाम। तो इलाह के माना क्या है, जिसकी इबादत की जाए, कल भी बात हुई थी थोड़ी सी, जिसकी इबादत की जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिस पर तवक्कुल किया जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसका हुक्म माना जाए, ये सारे काम वो हैं जो बंदों ने अल्लाह से करने हैं, बंदों ने करने हैं अल्लाह से। अल्लाह की दो हैसियतें जो है वो है अपने बंदों को, बंदों से रिलेटेड जब हम बात करते हैं
तो एक है अल्लाह का अपने बंदों के लिए रब होना, कल भी बात हुई थी, परसों हमने बात की थी कि रब क्या है, कि अल्लाह अपने बंदों के लिए जो कर रहे हैं, अल्लाह अपने बंदों को जिंदगी गुजारने के लिए ये अल्लाह का रब होना है। अब उस नेमतों के बदले में बंदे जो अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अपनी मुश्किल पेश कर रहे हैं, इसका हुक्म माना जा रहा है, ये है अल्लाह का इबादत। दोनों चीजें होना जरूरी है। तौहीद का असल कॉन्सेप्ट यही है कि रब और इलाह एक हो जाए। मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हुए, तो इसी बात पर हुए कि वो अल्लाह को रब तो मानते थे, इलाह मानने में उनको परेशानी थी। वो इस बात के तो कायल थे कि ये सारी चीजें जो बनाई हैं, तो निज़ाम बनाया, ये अल्लाह ने बनाया है, लेकिन जब उन नेमतों के बदले में इबादत की बात आती और अल्लाह के नाम पर कुछ देने की बात आती, तो वहां पर फिर वो कहते कि नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का नहीं है, ये हमारे बुत हैं और ये बाकी चीजें हम इनके साथ भी करेंगे। तो वो इलाह के माने के अंदर जो है वो डंडी मार रहे थे, और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी कि जिस अल्लाह को तुम रब मानते हो उसको इलाह भी मानो, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, और इसी पर झगड़ा था। तो आज के दौर में भी हमें इसी अकीदे पर आना होगा कि हमारा रब भी अल्लाह है, हमारा इलाह भी अल्लाह है, इन तमाम मानों में अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। अशहदु का माना मैं शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल, चाहे मैं घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, बाजार में हूँ, मेरी हर हर चीज ये बता रही है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ, उसी को खालिक मालिक और रब मानता हूँ, सारी कायनात का हाकिम मानता हूँ, उसी की इबादत और इताअत करता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ, जिंदगी के हर पहलू में उसी के कानून पर चलता हूँ, चाहे वो इंफरादी बात हो या इज्तिमाई मामला हो, अल्लाह के अहकाम को सामने रखते हुए मैं जिंदगी गुजारता हूँ, ना अपनी मर्जी पर चलता हूँ और ना ही अपनी ख्वाहिशात पर चलता हूँ। और कुरान में अल्लाह ने एक बार एक जगह इरशाद फरमाया है, कई फैजाजी नामिन कुल उम्मत बिशहीद वजिना बिका अला हाउलाए शहीदा, और फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम बाकी लोगों पर गवाह हो। तो हमने लोगों को इस्लाम की शहादत देनी है, तो शहादत क्या है, दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। तो हर अजान और हर इकामत में जब मैं इस तशहुद की ये बात करूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये काम हमें याद दिलाता है गोया कि एक हमारे ऊपर अजीम फरीजा है कि लोगों को शहादत आलमनास हमने देनी। अफसोस इस बात का है कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं, और जो बहुत मुख्तसर तादाद में लोग इस काम को कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इस्तेकामत दे और हम सबको भी ये काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तीसरा जुमला अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु हम पढ़ चुके हैं, अन्ना तो अन्ना का माना भी है के, इससे पहले हमने पढ़ा अशहदु अन का माना के, और यहाँ हम कह रहे हैं अशहदु अन्ना का माना ये, तो एक ही माना के दो अल्फाज भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की नहीं के लिए ला मा लन लम, सब का माना नहीं है, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अन्ना और अन दोनों ही के माना में इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, ये हम इंशाल्लाह अगले लेवल्स पर जाकर सीखेंगे, अभी हम इसको सिर्फ माना के तौर पर याद रखते हैं। अच्छा, अल्फाज को अपने मानों के साथ याद करने के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हम उसको किसी छोटी सी मिसाल में याद करें। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन का क्या माना है, बताइए इन का क्या माना है, एक भी आवाज नहीं आ रही, दो तीन आई है, इंशाअल्लाह का क्या माना है, अब आवाजें ज्यादा हो गई हैं, इन अकेला पूछा कि इनका क्या माना है तो दो तीन आवाजें आई, अगर इंशाअल्लाह का क्या माना है तो आवाज ज्यादा हो गई अगर अल्लाह ने चाहा, मतलब ये कि इंशाअल्लाह का माना ज्यादा लोगों को पता है और अकेले इनका माना कम लोगों को पता है, हालांकि इन तो वही है जो इंशाअल्लाह में भी है। तो क्या पता चला कि किसी भी जुमले के अंदर रख कर जब अल्फाज को याद किया जाता है तो उनका माना अच्छे तरीके से समझ में आता है मिसाल के साथ, और फिर वो जरूरत पड़ने पर याद किया जाता है। इसी तरह एक लफ्ज है इन्ना,
अकेला अगर वो आपसे याद करवाते रहे इन्ना का माना है बेशक बेशक बेशक, तो शायद उस तरीके से जल्दी याद ना हो, लेकिन इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो इस मिसाल को जब याद कर लेंगे तो ये इन्ना का माना कभी भी नहीं भूलेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज हैं आज की इस दौर के अंदर, अन्ना और इन्ना चार अल्फाज हैं, चारों के अलग अलग मानिए जी, ये सारे के सारे हरूफ हैं, सारे के सारे हरूफ हैं, अन भी और अन्ना भी, इन भी और इन्ना भी, इनको हमने चार मिसालों के जरिए याद करना है। अन की मिसाल हम याद करेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना की मिसाल क्या होगी बोल पड़े अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, बोल पड़े खड़ा करता हूँ थोड़ी देर, और इनकी मिसाल इंशा अल्लाह, इन्ना की मिसाल इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तो अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ किस किस ने पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप पढ़ लें, अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और इसका लफ्जी माना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, या दूसरे लफ्जों में इसका तर्जमा और माना भी किया जाता है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, ठीक हो गया। तो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो कोशिश करें कि जरूर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। मोहम्मद, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है, तो रसूल सिंगुलर है, उसकी जमा आती है रसूल, रसूल की जमा रसूल, यहाँ पर भी वही है, रसूल की जमा हमने रसूलून नहीं की है बल्कि रसूल आ गई है, तो ये जमा की दूसरी किस्म है। असबाब देख लें, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो गवाही से क्या मुराद है वही के घर में हूँ या बाहर हूँ, बाजार में हूँ या मामलात कर रहा हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा अमल ये बताता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरा जो मोहब्बत रसूल का दावा है ये सिर्फ जुबानी दावा नहीं है बल्कि मेरे अमल से पता चलता है कि मैं वाकई मोहब्बत करने वाला हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी लाई हुई तालीमात को बिला चूं और चरा कबूल करता हूँ, तस्लीम करता हूँ, कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक को बातिल का मेयार समझता हूँ, जो भी बात मुझे मिले मैं उसको कुरान और सुन्नत पर पेश करता हूँ, अगर कुरान और सुन्नत तस्लीम करे तो एक्सेप्ट करे तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, अगर कुरान और सुन्नत से हटकर हो तो मैं भी उसको छोड़ देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए मुझे दूसरी किसी दलील की जरूरत नहीं है कि मैं ये काम क्यों करूँ, मुझे ये पता चल जाए ऑथेंटिक जराए से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है, सुन्नत है, तो मैं उस पर अमल करूंगा सिर्फ इस वजह से कि ये आपकी सुन्नत है, मैं उसकी अलग से लॉजिक्स नहीं ढूंढूंगा, मुझे ये पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फला फला काम सुन्नत के तौर पर बताया, मिसाल के तौर पर मिसवाक सुन्नत के तौर पर बताया है, तो मैं सिर्फ इस वजह से करूंगा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगरचे उसके अंदर मुझे और लॉजिक्स बहुत सारी मिल जाएंगी मेडिकल के हिसाब से मिसवाक करने की वजह से, लेकिन वो लॉजिक्स एक एक्स्ट्रा चीजें हैं, मैं जो अमल कर रहा हूँ ये सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंद किया वही मेरी पसंद है। इंशाअल्लाह आज के बाद हम सब कोशिश करेंगे कि जो सुन्नत मालूम हो उस पर अमल करने के लिए किसी दूसरी दलील की बजाय उस पर फौरन अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अगले दो जुमले हैं हय्या अलस सला और हय्या अलल फला, हय्या अला ये इकट्ठा बोला जाता है, इसका माना होता है आओ, हय्या अला का माना आओ, अस्सलात नमाज, तो आओ नमाज की तरफ, सलात वाहिद है और इसकी जमा आती है सलावात, सलात वाहिद इसकी जमा सलावात, तो ये कौन सी जमा है, ये वो कल जो हमने पढ़ी थी मुस्लिमतुन और सा को छोड़कर उसकी जगह अलिफ और ता लगा दें, पढ़ी थी कल मुस्लिमातुन बना लीजिए मुस्लिमातुन से मुस्लिमात, तो उसी तरह ये सलातुन से आखिर से ता हटा दी और अलिफ और ता लगा दिए तो ये बन गया सलावातुन, ठीक हो गया। आओ नमाज की तरफ और
दूसरा हया अल फला, आओ कामयाबी की तरफ। फलाह कहते हैं कामयाबी को, फलाह आखिरत और फलाह दारैन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हया अल सलाह, ये नहीं कहा गया है कि नमाज पढ़ो, अपनी जगह पर पढ़ लो, घर में पढ़ लो, जहां पर बैठे हो कमरे में पढ़ लो, बल्कि ये कहा है कि नमाज की तरफ आओ, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, वह नमाज को कायम करो, और नमाज को कायम करने के लिए आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी और फलाह का रास्ता भी मिलेगा कि किस रास्ते पर चलकर तुम्हें फलाह और कामयाबी मिल सकती है। और नमाज से दिल और दिमाग को फायदे मिलेंगे, नमाज कामिल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा, कुरान पर गौर करेंगे तो हिदायत में, ईमान में, अक़्ल हिकमत में इजाफा होगा, आखिरत पर गौर करने से दिल और दिमाग को दुनिया की फिक्रों से आजादी मिलेगी। ये सारे दिल और दिमाग के फायदे हैं नमाज की वजह से, और जिस्मानी फायदे भी हैं नमाज के। वुजू करेंगे तो जिस्मानी सफाई होगी, नमाज के लिए आएंगे जाएंगे चलना होगा, वॉक हो जाएगी, उठना बैठना झुकना सजदा करना, ये एक पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी नमाज की, तो जिस्मानी फायदे भी हैं। वक्त की पाबंदी करने की आदत बन जाएगी, अगर हम अपना टाइम टेबल नमाजों के हिसाब से तरतीब देंगे कि सुबह उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद ये काम करना है, और जोर के वक्त जोर की नमाज के बाद ये काम करना है, तो हमारा दिन का जो शेड्यूल है वो बड़ा अच्छा जो है वो एक मेंटेन रहेगा, अगर हम नमाजों की तरतीब के हिसाब से अपने वक्त को तरतीब देंगे। तो वक्त पर सोने की आदत पड़ेगी, वक्त पर उठेंगे, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना आसान हो जाएगा, और एक बड़ा इज्तिमाई और सोशल फायदा है, पड़ोसियों से मुलाकात होगी, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे मस्जिद में और उनकी खुशी और गम की खबरें मिलती रहेंगी, एक कम्युनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, सोशल सर्कल जो है वो हमारा बढ़ेगा, बवक्त जरूरत अगर हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो कोई हमारी मदद के लिए मौजूद होगा, और किसी को हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम भी उसकी मदद के लिए जा सकेंगे, ताल्लुकात मजबूत बनेंगे, माशरा बेहतर होगा, और सबसे अहम फायदा यह है कि आखिरत में हमेशा हमेशा की फलाह नसीब होगी जब हम बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करेंगे। तो ये फलाह की तस्कीर उस शख्स के लिए भी है जो नमाज को नहीं आता, तो ये सोचकर बैठा हुआ है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, अगर मैं अभी नमाज के लिए उठा तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरे जो है वो ग्राहक चले जाएंगे या कोई मेरा मसला होगा, तो उस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिवत भाग रहा हो, किसी ने जाना हो लाहौर और पेशावर की तरफ रुक करके वो चलता चला जा रहा है, बड़ी शौक से भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, बड़ी हिम्मत भी कर रहा है, और कहने वाले कहें यार मेहनत तो बड़ी कर रहा है, इसको पहुंचना चाहिए लाहौर, तो पहुंचेगा, जानना उसने नीयत की है लाहौर जाने की, चल पड़ा है पेशावर की तरफ रुक करके और भागता हुआ जा रहा है तेजी से पूरी, और उसकी नीयत भी ठीक है, अभी मैंने लाहौर पहुंचना है, सारे काम जो है वो बड़ा तेजी से भाग भी रहा है, तो नीयत दुरुस्त है, शौक से भाग रहा है, जज्बे से भाग रहा है, लेकिन सिमत गलत है, तो पहुंच जाएगा लाहौर, कहीं भी नहीं पहुंचेगा, उधर ही खड़ा रहेगा मेरे ख्याल से, आप लोगों ने तो उसको कहीं चलने भी नहीं देना है, अच्छा यू टर्न लेगा, यू टर्न लेगा तो पहुंचेगा, अगर उसी सिमत पर चलता रहेगा उल्टी सिमत पर तो नहीं पहुंचेगा। तो यही हाल है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं भी नमाज में, और अगर कोई शख्स नमाज को छोड़कर अपने दूसरे कामों में लगा हुआ है तो वो यकीनन कामयाबी तो नहीं पाएगा और कुछ भी हासिल कर सकता है। और आखिर में फिर से वही कलिमात दोहराए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हीं कलिमात का इआदा जिनसे अज़ान शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ को इस बात का ऐलान है कि अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम करते हुए नमाज की तरफ आ जाओ, और अगर तुम नहीं मानोगे तो क्या तुम अल्लाह की अजमत बड़ाई और कुदरत को कम कर दोगे? नहीं, अल्लाह अपनी जगह बड़ा है, तुम्हारे आने या ना आने से उसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं आओगे तो अपना नुकसान करोगे, नहीं आओगे तो अपना नुकसान करोगे, जबकि उसकी पुकार पर लब्बैक कहने से तुम्हें ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह इस अजान के अंदर हमने कितनी मरतबा सुनते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दो मरतबा वहां सुनते हैं और आखिर में फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार हम सुनते हैं और वैसे भी हम पढ़ते रहते हैं, तो इस कलमे को जब भी पढ़े सुने तो बहुत को याद रखिए। एक हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
जिस शख्स को की मौत करीब आ चुकी हो, करीब उलमर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलबीन किया करो। तो कलिमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलिमे का जो है वो बार बार तकरार है। पढ़े सुने तो पूरे तसव्वुर के साथ पढ़े और सुने और उसके मुताबिक अपना अमल बनाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो ये अजान के कलिमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए हैं मुकम्मल, और अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। आज की में हमने सीखना है प्रपोजिशंस सीखेंगे हम। इसमें हमने सीखनी है जी वो जो हमने कल टुकड़े सीखे थे रू हुम का यी कुम ना वगैरह, उन्हीं को हम कल हमने पढ़ा था किस किस के साथ, दीनुहु रब्बुहु किताबुहु और मोबाइलुहु जवालुहु पढ़ा था, जवालुहु और साअतुहु कलमुहु, इन सब के साथ सीखा था। यानी कुछ इस्म थे जिनको इनके साथ अटैच किया था। तो आज हम कुछ हरूफ लेंगे इन्हीं टुकड़ों के साथ मिलाकर पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारा तरीका है पीपीआई। पीपीआई क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। फिर से सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे इस्म फेल और हर्फ की तारीफ एक दफा फिर से दोहराइए। इस्म क्या है? किसी का नाम हो या कोई सिफत हो तो उसको इस्म कहा जाता है। उसकी पहचान यह है कि उसके शुरू में अल आ रहा होगा या आखिर में डबल हरकत आ रही होगी, उन अन या इन आ रहा होगा या ऊन ईन और आ, ये साउंड अगर आ रही है तो ये इस्म की पहचान और अलामत है। फिर जिसमें काम के करने या होने का पता चले, तीन जमानों में से कोई जमाना भी पाया जाए, और हर्फ वो है जो इस्म और फेलों को मिलाता है। ये कुछ हुरूफ हैं, ला लाम जबर के साथ या लाम जेर के साथ, इसका तर्जुमा किया जाता है के लिए या लिए। और दूसरा हर्फ है मिन, मिन का माना से, हम पढ़ चुके हैं कहाँ पढ़ा है, मिन का माना से, मेरे शैतान में पढ़ा हमने मेरे शैतान रजीम, और अन का माना भी से है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कहाँ पढ़ा है, कल पढ़ा था अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो अन्हु और अन्हा बताया था वहां पे कि उनसे राजी हो तो अन का माना से है। तो बहरहाल अन का माना से या बारे में, मिन का माना से और ली या ला का माना के लिए। तो इस सबक में सिर्फ दो बातें हैं, एक ये कि तीन हुरूफ हम सीख रहे हैं ली मिन और अन, और हुरूफ को हमने इन छह टुकड़ों के साथ जोड़ना है जो पढ़ चुके हैं हु गुम वगैरह। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये तीन हुरूफ और उसके साथ साथ जो हमने एक मुअन्नस की पढ़ चुके हैं, तो छह वो थी हु गुम का यी कुम और ना, और कल एक मुअन्नस पढ़ ली थी आ, सात हो गए। तो ये तीन हुरूफ इन सात टुकड़ों के साथ मिलकर कुरान में तकरीबन 5000 मरतबा है। तो यानी ये हम तीन टेबल अगर हम सीख लेंगे तो 5000 चीजों को हम 5000 अल्फाज सीख लेंगे। तो इसलिए पूरे शौक के साथ कीजिए। सबसे पहला अलग लेते हैं लाम से ली, और ली का तर्जुमा, ली का माना है लिए, और इसके लिए रेफरेंस अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अल्फाज के मानी याद रखने के लिए उनकी मिसालें याद रखें। तो मिसाल अल्हम्दुलिल्लाही, ली वहां पर भी आया था के लिए, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। तो आइए उसी शौक जज्बे और बेदारी के साथ एक छोड़ दें और तरह गहरी सांस लें, एक मरतबा फ्रेश हो जाएं थोड़े से, और फिर हम करना शुरू करते हैं प्रैक्टिस जी। लहू, उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम
आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, लहू लहुम, लका दी, लकुम लना तहा, लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, लहू लहुम लका ती लकुम लना लहा, करते जाएं, लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा। आइए इसका देखते हैं बोल चाल क्या है। तो बोल चाल में एक लफ्ज़ और ऐड करते हैं, ये वो सफ है और आ, इसकी तरफ अगर मैंने इशारा करना हो तो उसके लिए लफ्ज़ बोला जाएगा हाजा, ठीक है, हाजा जी, अच्छा हाजा, अभी अधिक से पढ़ाते हैं, हाजा जो है वो ये कुरान की तरफ इशारा है, ये मुसफ है, मैं इसकी तरफ इशारा करते हुए सवाल करूंगा, हाजा लहू क्या तर्जुमा होगा, आ का माना क्या, हाजा ये यानी वो सब लहू उसके लिए है, अहाजा लहू क्या ये उसके लिए है, यानी गायब अशखास भी जो है कुरान जाहिर है सबके लिए नाजिल किया गया है, इसलिए हम यस में जवाब देते हुए कहेंगे नाम हाजा लहू। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अहाजा लहू, अहाजा लहुम, नाम हाजा लहू, अहाजा लका, अहाजा लकुम, और अगर मोनस का भी पूछूं अहाजा लहा, नाम हाजा लहा, दाएं और बाएं का सवाल और जवाब एक जैसा आएगा और सामने वाले का ऑपोजिट आ जाएगा, सामने वाले के लिए अपना जवाब। तो सवाल का जवाब एक बार फिर दें, अहाजा लहू, अहाजा लहुम, अहाजा लका, अहाजा लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको वाव के साथ अगर प्रैक्टिस करना हो, वाव और फा के साथ, तो उसको भी देते हैं, एक मरतबा कर लेते हैं, वलहू वलहुम वलका वली वलकुम वलना वलहा, वलहू वलहुम वलका वली वलकुम वलना वलहा, एक और भी पढ़ा था फा, फलहू फलहुम फलका फली फलकुम फलना फलहा, फलहू फलहुम फलका फली फलकुम फलना फलहा। दूसरा हर्फ है मिन, अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान, मिन का माना से, तो मिन को इन्हीं छह टुकड़ों के साथ मिलाकर करेंगे तो चलिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से, मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिन्हा, मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिन्हा। कोई आएगा यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ, ठीक आ जाए, आ जाए, इधर खड़े होके सामने देखते हुए, ऊपर से शुरू करना, नीचे से नहीं, मिनहु 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 मिन्ना मिन्ना मिन्हा मिन्हा, माशाल्लाह, ये आपका गिफ्ट।
तो मिन के साथ आप बोलचाल करें, मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा, कोई किताब भेजी, तो अब पता नहीं चल रहा है कि किसका है, तो मैं सवाल करता हूँ कि अहाजा मिन बु, क्या ये उससे भेजा है? अहाजा मिन बु, तो भेजने वाला आगे से जवाब देता है हाँ ये वही है, उसने भेजा है, उसके हिसाब से ज़हन में रखते हुए जवाब दीजिए। अहाजा मिन हु, अहाजा मिन हुम, अहाजा मिन का नाम, हाजा मिन जी, वैसे ऐसा होता नहीं है, अहाजा मिन कुम नाम, हाजा मिन्ना, आइए पूरा डायलॉग, अहाजा मिन हु, अहाजा मिन हुम, अहाजा मिन का, अहाजा मिन कुम नाम, हाजा मिन्ना। इसी तरह इसको भी वा और फा के साथ अगर हम प्रैक्टिस करें तो वा का माना और, मिन हु उससे, और उससे, वमिन हु, वमिन हुम, वमिन का, वमिन्नी, वमिनकुम, वमिन्ना, वमिन्हा, वमिन्हु, वमिन्हुम, वमिन्का, वमिन्नी, वमिनकुम, वमिन्ना, वमिन्हा। और अगर फा के साथ करना हो तो फिर कैसे करेंगे? फमिन्हु, करें आगे, फमिन्हु, फमिन्का, फमिन्नी, फमिन्को, फमिन्ना, फमिन्हा। और तीसरा हर्फ है आज का अन, और इसकी जुमला है, मिसाल है, रज़ियल्लाहु अन्हु, राजी हो अल्लाह उनसे, अन का माना से, अन को भी इन्हीं छह टुकड़ों के साथ, सात टुकड़ों के साथ मिलाकर करना है, अन्हु उससे, उससे, अन्हुम उन सब से, अन्का आपसे, अन्नी मुझसे, अन्कुम आप सब से, अन्ना हमसे, अन्हा उस औरत से, अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना अन्हा, अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना अन्हा, अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना अन्हा। आइए इस सारे को एक बार बार मिलकर करें जी। लहू लहुम लका जी लहुम लहा लहा मिन्हु मिन्हुम मिन्का मिन्नी मिन्को मिन्ना मिन्हा अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना अन्हा। एक बार फिर लहू लहुम लका जी लकुम लना लहा मिन्हु मिन्हुम मिन्का मिन्नी मिन्कुम मिन्ना मिन्हा अन्हु अन्हुम अन्का अन्नी अन्कुम अन्ना अन्हा। माशाल्लाह, तो यहाँ पे आकर ये तीनों करवाएगा जो पहली दफा बैठे हूँ हमने से। आ जाए एक एक करवा रहे, चले तीनों ना करवाए, एक एक करवा रहे, तीन लोग चाहिए होंगे जी। लहु 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 लहुम लका ली लकुम लकुम लाना लाना लहा लहा। माशाल्लाह, एक बार फिर करें लहु 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 लका लका ली लकुम लकुम लाना लाना लहा लहा। माशाल्लाह, सारे करवा लेने चाहिए, दूसरा कोई और आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए। मिन्हु 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 को पढ़ाना है हमको जी। मिन्हु मिन्हु मिन्का मिन्का मिन्नी मिन्कुम मिन्कुम मिन्ना
मेनका फिर करें मेनु 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 मेनका मेनका मेनी मेनको मेनका 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 आपका इनाम एक और चाहिए मर्द मुजाहिद आ जाए आपके लिए नाम नहीं बचा है चले आए हैं जी आपके लिए माशाल्लाह तो तीन हुरूफ हमने सीखे हैं ली मिन और आन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए और मिन का तर्जुमा से अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतान और आन का माना भी से रदियल्लाहु अन्हुम अन्हु अच्छा जी अब ये है टेस्ट हाथ खड़ा करें कौन इसका जवाब देना चाहेगा पहले हाथ खड़ा कर लें इसमें करना क्या है लफ्ज को देखना है तर्जुमा देखना है इशारा करना है और कुछ भी करना है आप तो आपने देख लिया इतनी देर में तो सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए जी या मैं खड़ा करवाऊ किसी का अदनान भाई मिन्ना तर्जुमा इशारा क्या करेंगे मिन्ना पे मिन्ना दाएं बाएं से देख सकते हैं लोग कर रहे हैं इशारे आपको मदद मिल सकती है तर्जुमा क्या करेंगे मिन्ना हमसे मिन्ना हमसे एक नाम का चांस चला गया जी कौन है अब्दुल राफे अनकुम क्या इशारा करेंगे अनकुम माशाल्लाह क्या तर्जुमा क्या करेंगे अनकुम का आप सब के लिए क्या आपका इनाम है और एक रह गया लहुम जी उन सब के लिए माशाल्लाह तो हमें ये है सच्चाई पड़ा हुआ ये मिट्टी अच्छा जी नुक्ते तालीम की तरफ आ जाए अल्लाह से इल्म की भीख मांगे तवज्जो करें वो दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ने इल्मे कुरान के लिए कुरान याद करने के लिए सिखाई है उस दुआ को अपनी दुआ में जरूर शामिल करें और वो दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाह से ये दुआ बार बार मांगे कि अल्लाह हमें कुरान का इल्म सीखने और समझने की तौफीक अता फरमा हमारे लिए कुरान समझना आसान होगा तो इसके साथ हमारा सबक मुकम्मल हुआ सबक नंबर 5 के इख्तिताम पर हमारे कुल अल्फाज हो गए हैं 57 और कुरान में इनका जो तकरार है वो है 19,000 वक्त ठीक है जी हमने इंशाल्लाह जाना है कहाँ तक जाएंगे नहीं 78,000 तक जाना है 78 तक जाना है लेकिन 41,000 ये हमारा पहले कोर्स का टारगेट है लेकिन एक्चुअली हमने जाना कहाँ तक है 78,000 तक जाएंगे इंशाअल्लाह रजी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ये सफर पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और 5 मिनट का वक्फा लेने थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें कोई सवाल हो किसी का तो सवाल कर लें पानी तो नहीं पीना किसी ने कोई सवाल कोई कमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई सवाल हो अगर सवाल था जी अस्सलाम वालेकुम जी आपको आवाज आ रही है जी जी आ रही है जी ये मेरा एक सवाल था कि होम जो है हम कहते हैं कि
इट इज वो सब राइट तो ये जी तो ये जो एक वर्ड है अल्लाहुम्मा तो उसमें जो हम आता है वो किसके प्लूरल की बात हो रही है नहीं वो अलग चीज है वो अल्लाहु और आखिर में सिर्फ ईम ऐड हुआ है उसके अल्लाह क्या जी वो नीम है नीम है और उसके ऊपर वो शद भी है नजर आ रहा होगा ये था अल्लाहु इसके आखिर में मीम ऐड कर दिया सिर्फ तो ये हम वो वाला नहीं है जो हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं ये और चीज है अल्लाह ये मीम जो है ये इसका तर्जुमा कर रहे होते हैं ए अल्लाह ये जो अल्लाह हुम्मा में मीम आ रहा होता है इसका माना हम करते हैं ए अल्लाह का माना अल्लाह तो वो हम वो वाला नहीं है जो हम अभी इशारों में पढ़ रहे हैं ये हम और चीज है और अल्लाह हुम्मा मैं सिर्फ मीम एक्स्ट्रा आया हुआ है हम नहीं है चलिए आज का आखिरी हिस्सा हम देखते हैं सबक नंबर 6 है और इसका पहला हिस्सा इसमें हम पढ़ेंगे फजर की अजान इकामत और वजू के बाद की दुआ और उसकी फजीलत वगैरह हम सीखेंगे और फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद दो मर्तबा ये अल्फाज कहे जाते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो अस्सलात का तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं नमाज कहाँ पढ़ा है सलात का तर्जुमा नमाज है कहाँ पढ़ा है हैया अल सलात अभी अजान में पढ़ा हैया अल सलात नमाज की तरफ तो सलात का माना नमाज खैरुन खैर का माना बेहतर है बेहतरीन है मिन नौम नींद से मिन का माना से और अन्नौम नींद तो नमाज जो है वो नींद से बेहतर है नींद को अगर हम देखें तो नींद मौत के बराबर है जबकि नमाज जिंदगी है नमाज अल्लाह की पुकार है नींद हमारे नफ्स की पुकार है और नींद जिस्म की राहत है नमाज हमारी रूह की राहत है लेकिन फजर के वक्त जो है वो नींद भी राहत का जिस्म की राहत का बायस भी नहीं है फजर के वक्त अगर हम नमाज के वक्त सोते रहेंगे तो नींद जिस्म के लिए मुजर सेहत है राहत नहीं होगी सुबह के वक्त की ताजगी जिस्म के लिए उस वक्त बेदार होना जागा हुआ होना यही उसकी जिस्म की ताजगी के लिए दवा के तौर पर है और यही कहा जाता है कि फजर के वक्त में जागा हुआ होना चाहिए इंसान को ताकि उसकी सेहत बेहतर रहे तो हमें भी इस सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने जिंदगी का मामूल हो कि हर वक्त और हर हालत में हम अपनी नमाजों का एहतमाम करें खासतौर पर फजर की नमाज का ठीक है जी अस्सलातु खैरु मिनन नौम नमाज बेहतर है नींद से तो ये अजान की इजाफी करें बात थे फजर में और इकामत जो कही जाती है नमाज से पहले तो उसमें हय्या अलस सला और हय्या अलल फलाह के बाद एक जुमला दो मरतबा बोला जाता है कद कामत अस सला ठीक है जी ये एक इजाफी जुमला है कद का माना तहकीक अलबत्ता यकीनन ऑलरेडी डन इंडीड सारे तर्जुमे से किए गए हैं यकीनन ये बात हो चुकी है फॉर श्योर पक्का ठक्का ये बात है कि ये काम हो चुका जिसके बारे में यकीन हो उसके लिए कद कहा जाता है तो पहले कहा था अजान के लिए अजान में कहा जा रहा था हय्या अलस सला हय्या अलल फला कि लोगों नमाज की तरफ आ जाओ और कामयाबी की तरफ आ जाओ जो लोग आ चुके हैं उनको वह ये बताना चाह रहे हैं कि नमाज खड़ी हो चुकी है अब जब मजीद देर करने का कोई वक्त बाकी नहीं बचता तो कद का माना अलबत्ता कामत खड़ी हो गई खड़ी हो चुकी अस्सलातु नमाज तो गोया अजान इस बात का ऐलान है कि जो लोग बाहर फिर रहे हैं वो मस्जिद आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और इकामत इस बात का ऐलान है कि जो मस्जिद में आ चुके हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर लें कि जमात खड़ी हो चुकी है और नमाज शुरू हो चुकी है तो ये अजान और इकामत के इजाफी का रिवाज थे अब हम वजू की अजान जब सुन लेते हैं तो अजान के बाद अगला काम क्या होता है नमाज की तैयारी में वजू करना तो वजू करते वक्त कुछ वजू के पहले के अज़कार हैं और कुछ वजू के बाद के तो वजू से पहले जो है वो अज़कार बताए गए हैं जो हमने सबसे आसान जिक्र है बिस्मिल्लाह
फकत बिस्मिल्ला, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लेना अजार वजू से पहले, ये जो है वो सुन्नत से साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। और वजू के बाद की दुआ है बड़ी खूबसूरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी अच्छी फजीलत बयान की। आपने फरमाया तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। आठ दरवाजे हैं जन्नत के, आठों खुल गए हैं और इख्तियार है जिससे मर्जी चाहे दाखिल हो जाओ। करना क्या है, सिर्फ एक छोटी सी दुआ है जो आपने पढ़नी है और वो हर वजू के बाद पढ़नी है। वो दुआ क्या है, सीखते हैं तो बहुत मुश्किल दुआ है या आसान है तो देखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे कलिमात ऊपर टिक लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं, अभी अजान पढ़ी है थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये आए थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर से तशरीह अजान में के सबक में गुजरी है, बहरहाल एक बात को दोबारा से ताजा कर लेंगे, मौत को याद रखें हमेशा और इस बात को कि जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और करीब उल मर्ग शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलबीन किया करो। तो और ये भी है कि एक डॉक्टर साहब का जो है वो वाकया, उन्होंने बताया कि अपनी जिंदगी में अपनी सर्विस के दौरान 10 से 12 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन सिर्फ दो लोग ऐसे थे, एक या दो लोग के जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, बाकी सारे मुसलमान होने के बावजूद कलमा नहीं पढ़ सके, क्योंकि जिंदगी में कलमा पढ़ने की और कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसलिए मौत के वक्त भी जहन में नहीं आया। इसलिए अल्लाह का जिक्र अगर हर वक्त जुबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी कलमा नसीब होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमात तो हम पढ़ चुके थे, कुछ इजाफी कलिमात है। वहदहु, वो अकेला है, वहदहु वो अकेला है, ला शरीक ला वहदहु के अंदर वाहद वाहिद अहद तौहीद, ये सारे अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वाहिद अहद और तौहीद, अकेला होना तन्हा होने के माना में इस्तेमाल होता है। ला शरीक लहु, नहीं कोई शरीक, ला नहीं है शरीक का, कोई शरीक किसी किस्म का कोई शरीक नहीं है, लहु उसका, उसका कोई शरीक नहीं है। शरीक जो है ये सिंगुलर और वाहिद है, इसकी जमा आती है शुराका, और ये उर्दू में दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, शरीक भी और शुराका। शरीक कहते किसको है, यहाँ पर शरीक से मुराद क्या है, शरीक से मुराद है हिस्सादार या पार्टनर या हेल्पर, इन सारे मानों में जब अल्लाह के लिए शरीक माना जाता था और माना जाता है तो कभी हिस्सेदार माना जाता है, कभी वो पार्टनर होता है, कभी वो हेल्पर होता है, कि अल्लाह ने निजाम बनाया है अब ये उसको चलाने में अल्लाह की अऊज़ुबिल्लाह मदद कर रहा है, हालांकि अल्लाह को ऐसे किसी शरीक की जरूरत नहीं है। और ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, शरीक शुरका शिर्क मुशरिक, ये सारे अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक, लहू उसका या उसके लिए, दोनों तरह से तर्जुमा हो सकता है। तो वहदानियत का इकरार यहाँ पर तीन मरतबा किया गया इस एक जुमले के अंदर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, उसके अंदर तीन मरतबा अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, फिर वहदहु वो अकेला है, फिर दोबारा से ला शरीका लहु उसका कोई शरीक नहीं, यानी शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान होना जरूरी। ये दुआ कब पढ़ रहे हैं, वुजू के बाद, वुजू करने के बाद हम ये दुआ पढ़ रहे हैं नमाज से पहले, गोया नमाज से पहले हमने वुजू किया और अपने जिस्म को पाक किया, अब हम उसके बाद ये दुआ पढ़ रहे हैं अपने अंदर के अकीदे और ईमान को पाक और साफ करके अल्लाह की बारगाह में हमने खड़ा होना है, ताकि हम बिल्कुल खालिस ईमान और अकीदे के साथ अल्लाह के सामने खड़े हों और हमारा अमल भी खालिसतन अल्लाह के लिए हो। तो शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान करके अल्लाह के सामने खड़े होना है, क्योंकि शिर्क को अल्लाह हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, और इस शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए जब भी हम ये वुज़ू के बाद दुआ पढ़ रहे हों तो शिर्क के जो संगीनी है उसको जरूर जहन में लाइए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाकी सारी गुनाहों को माफ करने का, अल्लाह ने कहा इन्ना अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क के अलावा और चीजों में अगर कोई कमी कोताही हो तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला माफ कर सकते हैं।
वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वाशहदु और मैं गवाही देता हूं पढ़ चुके हैं अन्ना मुहम्मदन ये भी पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अब्दुल्लाह का माना क्या है अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा तो अल्लाह की बजाय हु लगा दें तो अब्दुहु उसका बंदा पीछे बात किसकी है उससे मुराद कौन है अल्लाह पीछे क्योंकि पिछले जुमले में कहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं यानी अल्लाह के बंदे हैं तो अब्दुहु उसके बंदे हैं अब्द वाहिद है इसकी जमा आती है इबाद अब्द वाहिद और उसकी जमा इबाद बहुत से बंदों के लिए इस्तेमाल होगा व रसूलुहु और उसके रसूल हैं अभी दो टुकड़े आ रहे हैं रसूल और हु रसूलुहु ठीक हो गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पर बात यही स्टेटमेंट अजान में भी दिया हमने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुहु नहीं है वहां पर यहाँ अब्दुहु का इजाफा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का अब्द यानी गुलाम बताया गया है ठीक है इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक इंसान को बनाया गया फिर इन इंसानों के अंदर सबसे अफजल आला और अशरफ अंबिया को बनाया गया फिर उन अंबिया के अंदर सबसे अफजल और आला मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया लेकिन इन सारी फजीलतों और बुलंदियों के बावजूद अल्लाह सुबहानहू व तआला के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मकाम है वो वही है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं अब्दुहु व रसूलु लेकिन आम बंदे नहीं है खास बंदे हैं कि रसूल हैं और रसूलों के इमाम और सरदार तो पिछली उम्मतों में लोगों ने अपने नबी को अल्लाह का बेटा बना दिया था यानी शरीक बना दिया था यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं तो इस शिर्क की नफी करना इतना जो है वो मतलूब है अल्लाह को कि यहाँ पर वुज़ू के बाद की दुआ में भी अल्लाह ने हमें यही सिखाया कि पहले कहा ला इलाहा इल्लल्लाह फिर कहा वाहदहू फिर कहा ला शरीक लहू यहाँ पर फिर से मोहम्मद अब्दुहु कहकर इस जो है वो इम्कान की भी नफी कर दी कि कहीं पिछली उम्मतों की तरह तुम भी अपने नबी को अल्लाह का बेटा ना बना बैठो बल्कि याद रखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और हर नमाज के वक्त या वुज़ू के बाद जो है वो इन कलिमात को दोहरा कर शिर्क का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है तो इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन अब्द हैं सबसे अफजल बंदे हैं तो हमारे लिए उसमें हसना यह है कि हम भी अल्लाह के बेहतरीन बंदा बनने की कोशिश करें जो अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि लकद काल लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये कलिमात तो वो थे जो हम अजान में भी पढ़ चुके हैं अब इससे आगे मजीद अल्फाज है اللهم اجعلني من التوابين اللهم اے اللہ اللهم اے اللہ اجعلني دو الفاظ ہیں اجعلني تو بنا مجھے تو بنا دے مجھے من التوابين من کا معنی سے التوابين کا معنی بہت توبہ کرنے والے خوب توبہ کرنے والے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تابہ تابہ کا معنی ہے وہ پلٹا اور تائب کا معنی پلٹنے والا اور تواب کہتے ہیں اس کو جو بار بار پلٹے بار بار پلٹے یعنی پلٹنے سے مراد یہاں پر رجوع کرنے والا ہے ایک توبہ کے اگر حوالے سے دیکھیں تو غلطی ہو گئی پھر سے اللہ کی طرف رجوع کیا پھر سے بار بار توبہ کی ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بنا دے بار بار پلٹنے والوں میں سے یعنی خوب توبہ کرنے والوں میں سے وجعلنی اور بنا دے مجھے وجعلنی میں تین الفاظ آ رہے ہیں وا اجعل اور نی وا کا معنی اور وا کا معنی اور وا کا معنی اور وا کا معنی اجعل کا معنی بنا دے نی مجھے اور بنا دے مجھے من المتطہرین
मिन का माना से और अल मुतातहिरीन पाक साफ रहने वाले, ताहिर तहूर तहारत की उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो इस लफ्ज़ हा और वा मौजूद है, इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर भी कोई सफाई और पाकी की बात हो रही है। अल्लाह हमें बना दे खूब तौबा करने वालों में से और खूब पाक साफ रहने वालों में से। इंसान बार बार तौबा करने की तरगीब दी जा रही है यहाँ पे, अल्लाह में बना उनसे जो बार बार तौबा करने वाले हैं। तो क्यों? इसलिए कि इंसान है, बार बार गलती करेगा, इंसान गलती और खता का पुतला है तो गलती करेगा। लेकिन तौबा की कुछ शरायत है, एक ये है कि हम गलती करें उसके बाद में अब मेरी तौबा, लेकिन दिल के अंदर यकीन हो कि दोबारा मौका मिलेगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं, दिल के अंदर ये इरादा रखा हुआ हो कि अभी तो तौबा कर लेते हैं, अगली दफा देखेंगे दोबारा कभी मौका मिला तो फिर उस वक्त सोच लेंगे कुछ, तो ऐसा ये तौबा जो है ना होनी चाहिए। इस यकीन के साथ सबसे पहली बात तो यह कि ये यकीन हो कि मैं तौबा कर रहा हूँ तो अल्लाह कबूल करेगा, मेरी तौबा को कबूल करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि अपनी गलती का एतराफ हो कि मैंने गलत किया है, मैंने गुनाह किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है तो ये गलत है। दूसरी बात, उस पर नदामत और शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, ठीक है जी। और तीसरा जो बड़ा अहम है वो ये है कि दोबारा ना करने का आज़म हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोबारा ना करने का आज़म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नदामत भी हो, एतराफ भी हो, शर्मिंदगी भी हो और अल्लाह से तौबा के कबूल होने का यकीन भी हो, लेकिन साथ ही साथ दिल में रखा हुआ हो कि अभी तो हो गया, आइंदा के लिए देखेंगे, या तो ये इरादा हो कि आइंदा मौका मिलेगा तो फिर कर लूंगा, फिर तौबा कर लूंगा, और या ये हो कि चलो अभी तो तौबा करते हैं, दोबारा मौका आया तो देखेंगे। ये दोनों सूरतें नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि बस आज के बाद पक्की तौबा, दोबारा नहीं करना। और चौथा काम ये है कि अगर किसी का हक मारा है, जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उस गुनाह के जमन में किसी का हक मारा गया है तो उसका हक भी अदा किया जाए, क्योंकि तौबा करने से वो गुनाह तो माफ हो जाएगा लेकिन जो हक वाबस्ता हो गया था वो जब तक अदा नहीं होगा उस वक्त तक उसकी माफी नहीं हो सकती। तो इसलिए हक अगर किसी का मारा है तो उसका हक अदा करने और लौटाने का अजम भी होना चाहिए और उसको फिर करना भी चाहिए। फिर जुबान से तौबा के अल्फाज भी बोले जाएं, इस्तगफार के और बख्शिश के, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा और इस्तगफार के मुख्तलिफ कलिमात हमें बताए गए हैं, सबसे आसान कलिमात अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स को खुशखबरी सुना दो कि जिसके नामे आमाल में इस्तगफार की कसरत पाई जाएगी। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, तुम इस्तगफार किया करो, तुम्हारा रब खूब बख्शने वाला है, तुम अगर इस्तगफार की कसरत करोगे तो वो तुम पर वक्त पर बारिशें बरसाएगा, तुम्हें औलादें तुम्हें जो है वो बेटे अदा करेगा और तुम्हारी खेतियों को हरा भरा कर देगा, तुम्हें मालो औलाद की कसरत अदा करेगा। इन सारे कामों का नतीजा, सारे कामों की वजह क्या है, एक काम बताया है इस्तगफिरु रब्बकुम। तो इस्तगफार जो है उसकी बड़ी अहमियत है, हमें अपनी जिंदगी में इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए। और फिर फरमाया वजअलनी मिनल मुतातहिरीन, मुझे पाक रहने वालों में से बना दे। तो पाकी से क्या मुराद है, मकान की पाकी, जहां पर मैं रहूं वो जगह पाक रहे, पाक हो मेरा लिबास, पाक हो और मेरा अकीदा पाक हो, ईमान पाक हो, मैं ईमान और अकीदे के अंदर शिर्क की मिलावट को लेकर ना फिर रहा हूँ बल्कि खालिसतन तौहीद वाला अकीदा हो, फिर मेरे ख्यालात फासिद ना हो, गलत ना हो, पाकीजा ख्यालात के साथ मैं जिंदगी गुजारूँ, यानी हर किस्म की पाकी की बात की जा रही है कि अल्लाह हमें हर किस्म की पाकी इख्तियार करने वालों में से बना दे, ठीक है जी। इस दुआ की फजीलत क्या बताएगी कि ये दुआ जो शख्स अच्छे तरीके से ध्यान के साथ वुजू करेगा और वुजू करने के बाद ये दुआ पढ़े तो उसके लिए क्या होगा, जन्नत के आठ दरवाजे बना दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे और जिसमें से चाहे वो दाखिल हो जाएगा। तो हम में से हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है, किस किस का इरादा है कि जन्नत में नहीं जाना, सबने जाना है, आप जाग रहे हैं सारे, छुट्टी का टाइम है तो सारे जाग रहे हैं, तो किस सारे जन्नत में जाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए। तो जन्नत में जाने के लिए करने वाले कामों में से सबसे आसान काम अगर अभी तक मालूम हुआ तो क्या है, मेरे ख्याल में यही है कि जब भी वुजू करें तो ये दुआ पढ़ लें, जब भी वुजू करें ये दुआ पढ़ लें। ये याद किस किस को है, ये दुआ याद किस किस को है,
एक दो तीन चार, तो जिनको नहीं याद वो क्या करेंगे, याद करेंगे और कब सुनाएंगे, फिर कल परसों मिड क्विज के बाद सुनाएंगे, ये दुआएं सुनाएंगे, जितनी दुआएं इसमें आ रही हैं मिड क्विज के बाद, मिड क्विज तक जितनी दुआएं पढ़ चुके होंगे इंशाल्लाह मिड क्विज के बाद दुआएं सुनेंगे, अगर याद नहीं है आपको, ठीक है जी, अल्लाह करे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा और अमल में जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमा और खुद अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमा। कुरान की निस्बत से हमारे ताल्लुकात को मजबूत बना और हमारे किए जाने वाले तमाम अच्छे अमलों को कबूल फरमा और हमारी खताओं और बुराइयों को दरगुजर और माफ फरमा, ठीक है जी। इसके साथ छुट्टी करते हैं, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, पढ़ें सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। टाइम आज काफी सारा बच गया, अगर किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं।